जब वो महागठबंधन में थे, लठबंधन में थे, चारा और चरित्र घोटाले की सरकार में थे, महिला विरोधी सरकार में थे, तो उनका मानसिक संतुलन खोने के उपाय किए जा रहे थे। वो अपने होश में कहाँ थे? आज देखिए एनडीए गठबंधन में, कल ही उनका जमुई जिला में था संबोधन, इतनी अच्छी बातें उन्होंने कही है कि भाजपा को छोड़ कर नहीं जाऊंगा। एक तरफ जहां 2024 चुनाव को लेकर के एक तरफ जहां इंडिया है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए है और लगातार जो है यानी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आज महिला नेत्री राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता जो बीजेपी की हैं, उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर के, महिलाओं को लेकर के अपमानजनक बातों को लेकर के खुलासा कर रही थी, उसी दौरान जब नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, बातें रखा था सदन में विधानसभा में, उसको लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, सीधे सीधे कह दिया कि नीतीश कुमार जब वहां पर थे तो उनका मानसिक संतुलन खोने के उपाय किए जा रहे थे। साथ ही ये भी कहा कि वो अपने होश में कहाँ थे। पहले सुनिए धर्मशीला गुप्ता ने क्या कुछ कहा। कि जब वो महागठबंधन में थे, लठबंधन में थे, चारा और चरित्र घोटाले की सरकार में थे, महिला विरोधी सरकार में थे, तो उनका मानसिक संतुलन खोने के उपाय किए जा रहे थे। वो अपने होश में कहाँ थे? आज देखिए एनडीए गठबंधन में, कल ही उनका जमुई जिला में था संबोधन, कितनी अच्छी बातें उन्होंने कही है कि भाजपा को छोड़ कर नहीं जाऊंगा। तो संगत से गुण जात है और संगत से गुण आत है, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उनका भाषा, उनका बयान सारे संस्कार में दिए जा रहे हैं, मर्यादा में दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी की राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता से जब नीतीश कुमार को लेकर के सवाल कर दिया गया तो साफ साफ कह रही को अपने होश में कहा थे और साथ ही उन्होंने भी कहा कि उनका मानसिक संतुलन खोने के उपाय किए जा रहे थे। यानी साफ साफ कहा कि जिस सरकार में थे, जिस गठबंधन में थे, वहां पर उनका मानसिक संतुलन खोने के उपाय किए जा रहे थे और वो वहां पर होश में नहीं थे। अब सवाल ये बड़ा खड़ा होगा कि आखिर में जो नीतीश कुमार रोजगार की बातें कर रहे हैं, तमाम बातें जो तेजस्वी यादव ने छेड़ा है, 17 साल बनाम 17 महीने की जो बातें हो रही, क्या आखिर में जो 17 साल तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार थे, क्या होश में नहीं थे? क्या उनका कौन लोग थे जो उनके मानसिक संतुलन खोने का काम कर रहे थे? देखना दिलचस्प होगा कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप में धर्मशीला गुप्ता ने एक बड़ा बयान दे दिया है। अब इस बयान के क्या मायने निकाले जाते हैं, क्या इसका चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिलता है, लेकिन इतना तो है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने ही सवालों में कहीं ना कहीं अब घिरती हुई नजर आ रही, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार रोजगार की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार होश में कहां थे, उनका मानसिक संतुलन के उपाय किए जा रहे थे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर में किस तरीके से जदयू इसको देखती है और आरजेडी के नेता इस बयान को किस तरीके देखते हैं। क्या सच में नीतीश कुमार उस समय होश में नहीं थे, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, हम नहीं कह रहे, और वहीं दूसरी तरफ कौन लोग थे जो उनका मानसिक संतुलन खोने का काम कर रहे थे।